हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस से हम इंडियन पार्लियामेंट्स को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ लिया था, और लास्ट वीडियो हमने टाइप्स ऑफ मेजोरिटी के बारे में पढ़ा था। और आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ बिल इन पार्लियामेंट को कवर करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किसी बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है, और साथ ही साथ किस कौन कौन से बिल में प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट, इनमें से पहला है ऑर्डिनरी बिल, सेकंड है मनी बिल, थर्ड है फाइनेंशियल बिल, और फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो फर्स्ट है ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? तो एनी बिल विच नॉट अ मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी बिल। मतलब कि वह बिल जो कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं होता है, उन्हें हम ऑर्डिनरी बिल के नाम से जानते हैं। प्रोसीजर फॉर पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल, मतलब ऑर्डिनरी बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है। तो इनमें से पहला है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस बाई एनी हाउस, मतलब इसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। सेकेंड है, इट इज पास्ड इन वन हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी एंड देन सेंड इट टू अदर हाउस। सपोज कीजिए कि कोई ऑर्डिनरी बिल को राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया गया है, तब जाके हम उस बिल को दूसरे हाउस यानी कि लोकसभा में भेजेंगे सिंपल मेजोरिटी से पास होने के लिए। आफ्टर इट इज पास्ड इन बोथ हाउस, इट इज सेंड टू प्रेसिडेंट। अगर दोनों हाउस ने इसे सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया है, तब जाके इस बिल को हम प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। नाउ प्रेसिडेंट कैन हैव थ्री ऑप्शन। अब प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होता है। इनमें से पहला है, गिव हिज असेंट टू बिल, मतलब वह इस बिल को अपनी स्वीकृति दे दें, इस बिल के ऊपर हम अपना मोहर मार दें, जिसके बाद यह बिल एक्ट बन जाता है। तो दोस्तों, कैसे कोई बिल एक एक्ट बनता है, इसके लिए दोस्तों किसी भी बिल को, ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस बिल के ऊपर डिस्कशन होता है और दोनों हाउस द्वारा उस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है, उसके बाद यह प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल को अपना एसेंट यानी अपनी स्वीकृति दे दी, तब जाके कोई बिल एक एक्ट बनता है। सेकेंड है, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन विथ रिकमेंडेशन। तो दोस्तों, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो कि राष्ट्रपति जी को हम सही नहीं लगता है, कोई क्लॉज ऐसा जो उनको सही नहीं लगता है, तो वह अपनी रिकमेंडेशन के साथ उस बिल को वापस भेज देते हैं, ताकि उस पॉइंट पर उस क्लॉज पर को फिर से रिकंसीडर किया जा सके। और थर्ड है, होल्ड द बिल फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम, कि मतलब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वह उस बिल को किसी भी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं। इसे हम पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट, उनका कार्यकाल 3 साल बचा हुआ है, तो दोस्तों उनके पास ये पावर है कि वह उस बिल को 3 साल तक होल्ड पे रख सकते हैं। नेक्स्ट है मनी बिल। तो मनी बिल समझने से पहले दोस्तों आर्टिकल 110 के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिकल 110 में मनी से रिलेटेड मैटर दिया गया, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी मैटर है वो आर्टिकल 110 में दिया गया है। जैसे कि मनी को कैसे स्पेंड करना है, या उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उसे कैसे अर्न करना है, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल 110 में दी गई है। तो मनी बिल क्या है? तो मनी बिल दोस्तों, एनी बिल विच कंटेन वन और मोर मैटर गिवन इन आर्टिकल 110 ओनली इट इज कॉल्ड एन मनी बिल। मतलब कोई बिल जो कि एक या एक से ज़्यादा मैटर को कंटेन करता है, जो कि आर्टिकल 110 के अंदर दिया गया हो, ओनली ऐसे बिल को हम मनी बिल कहते हैं। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे, तो कोई बिल जिसके अंदर आर्टिकल 110 रिलेटेड मैटर दिया गया हो और कोई भी एक्सटर्नल मैटर उस बिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया हो, तभी हम उस बिल को मनी बिल कहते हैं। तो प्रोसीजर फॉर पासिंग मनी बिल, तो मनी बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है? तो इसमें पहला पॉइंट है कि मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस इन लोकसभा विथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, जो मनी बिल है वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन होना जरूरी है।
नेक्स्ट है, इट इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा देन सेंट टू राज्यसभा। तो जो दोस्तों मनी बिल है उसे सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में पास किया जा सकता है और इसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जा सकता है। तो दोस्तों मनी बिल से रिलेटेड जो भी पावर हो बेसिकली लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा कैन ओनली गिव रिकमेंडेशन टू द बिल विच लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मतलब मनी बिल के केस में दोस्तों राज्यसभा केवल और केवल अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है बिल के ऊपर, और लोकसभा के ऊपर यह होता है कि वह उस उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती हैं या उनके रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर देती हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह बोला गया है कि राज्यसभा कैन नॉट होल्ड द बिल फॉर मोर देन 14 डेज। मतलब जो राज्यसभा है वो 14 दिन से ज़्यादा मनी बिल को अपने पास होल्ड पर नहीं रख सकता। अगर वह 14 दिन से ज़्यादा मनी बिल को होल्ड पर रखता है, अपने पास रखता है, तो वह बिल ऑटोमेटिकली लोकसभा में चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेसिडेंट देन हैज टू पास द बिल एंड कैन नॉट सेंड इट बैक टू पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट। इसके बाद दोस्तों जो प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें इस बिल को पास करना होता है और उनके पास भी यह पावर नहीं होता है कि वह इस बिल को वापस भेज दें पार्लियामेंट में किसी अमेंडमेंट के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके पहले ही सबसे पहले ही प्रेसिडेंट की परमिशन ले ली जाती है। इसीलिए दोस्तों जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर नहीं होता है कि वो वापस एक बार बिल पास हो जाने के बाद वो वापस उसे लोकसभा में भेज दें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल में दोस्तों फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो फाइनेंशियल बिल होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा मैटर को कंटेन करता है जो कि आर्टिकल 110 में दिया गया हो, और साथ ही साथ इसमें दोस्तों सम अदर नॉन मॉनेटरी मैटर भी होते हैं। मतलब मनी के अलावा इसमें कोई भी दूसरे एक्सटर्नल मैटर हो सकते हैं, तो ऐसे बिल को हम फाइनेंशियल बिल कहते हैं। प्रोसीजर फॉर पासिंग फाइनेंशियल बिल। तो दोस्तों फाइनेंशियल बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है, तो यह भी दोस्तों केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और इसके बाद दोस्तों आफ्टर डैट द होल प्रोसेस इज सेम एज ऑर्डिनरी बिल। इसके बाद दोस्तों जो भी प्रोसेस होता है वो ऑर्डिनरी बिल के समान सेम होता है। तो दोस्तों मनी बिल में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं होती, लेकिन फाइनेंशियल बिल में राज्यसभा के पास बराबर पावर होती है, चाहे वो इस बिल को पास भी कर सकते हैं और वह इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वह बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन लाने का प्रयास करता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। और यह दोस्तों आर्टिकल 368 में मेंशन है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है, यह दोस्तों बेसिकली दो टाइप के होते हैं। इसमें पहला है कि इट डज नॉट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, अगर वह फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करते हैं। और सेकेंड है इफ इट ऑफर एनी चेंजेस इन फेडरल स्ट्रक्चर, अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं और उसमें कुछ चेंजेस लाने का ऑफर भी रखते हैं। इसमें दोस्तों पहला इसमें से इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो दोस्तों इसको पास करने के लिए पहला पॉइंट होता है इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, मतलब इसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे इसे हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस करें या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट हैज टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज बाय स्पेशल मेजोरिटी, मतलब दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसे दोनों हाउसेज द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए। देन इफ इट देन गोज टू प्रेसिडेंट हु हैज टू पास द बिल, अगर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेस द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जा चुका है तो प्रेसिडेंट के पास भी यह पावर नहीं होता कि वह उस बिल को रोक सके। अगर वह बिल दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है तो प्रेसिडेंट को अपनी स्वीकृति उस बिल को देनी होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था दोस्तों 1971 में लाया गया था, इसमें जो प्रेसिडेंट की यह पावर थी कि वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रोक सकते हैं या वापस हाउस में भेज सकते थे, इस पावर को
24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। सेकेंड पॉइंट है, इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, इसको पास करने के लिए दोस्तों पहला पॉइंट है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, मतलब इसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इट हैज टू बी पास इन बोथ द हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी, मतलब दोनों सदनों द्वारा इसे स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाना चाहिए। थर्ड है कि जो मोर देन हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि मिनिमम 15 स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा इसे सिंपल मेजोरिटी से रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, यानी इसे पास किया जाना चाहिए। अगर दोस्तों अगर यह बिल दोनों ऊपर के दोनों पॉइंट को फुलफिल कर लेता है तब इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट को इस बिल को पास ही करना होता है, वह इसे रोक नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 1971 में हुआ था, प्रेसिडेंट की ये जो स्पेशल पावर थी समाप्त कर दी गई थी। तो ऐसे बिल जो कि क्या नाम है स्पेशल मेजोरिटी दोनों सदनों से पास हुए हैं और साथ ही साथ मोर देन हाफ यानी मिनिमम 15 स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ है, तो ऐसे बिल को प्रेसिडेंट को अपनी स्वीकृति देनी होती है और उसे पास करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, बिल विच आर इंट्रोड्यूस ऑन प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब वो कौन कौन से बिल होते हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने के पहले प्रेसिडेंट परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो इन दोस्तों इनमें से बेसिकली जो पहले तीन है इसका आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से पहला है मनी बिल, सेकेंड है फाइनेंशियल बिल, थर्ड है ऑर्डिनरी बिल रिलेटिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो आर्टिकल 3 में दिया गया है जिसमें कि कोई अगर स्टेट उसकी बाउंड्री चेंज करनी है या उसका नाम चेंज करना हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई ऑर्डिनरी बिल आता है तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी जरूरी होती है। फोर्थ है एनी बिल विच द टैक्सेशन इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड, और फिफ्थ है कि स्टेट विल विच इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स, मतलब कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है तो ऐसे बिल को भी इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी जरूरी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।